हिंदी सिनेमा जगत में आयुष्मान खुराना का मुकाम बाकी सारे एक्टर से अलग है। उन्हें उनकी स्पेशल प्लॉट पर बनने वाली फिल्मों के लिए जाना जाता है। हाल ही में नेशनल अवार्ड की सूची में शामिल होने वाले आयुष्मान के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं। बीते साल से लगातार हिट्स देने वाले आयुष्मान एक बार फिर से बैक टू बैक जबरदस्त तरीके से बॉक्स ऑफिस पर छाने के लिए तैयार हैं। अब उनकी आगामी फिल्म बाला का टीजर रिलीज होते ही लोगों को लोटपोट कर रहा है। हाल ही में आयुष्मान की फिल्म ड्रीम गर्ल का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो उन्हें इंटरनेट पर वायरल होने में देर नहीं लगी। वहीं अब आयुष्मान और भूमि पडनेकर की जोड़ी वाली फिल्म बाला का ट्रेलर थोड़ी देर पहले ही रिलीज कर दिया गया। इस टीजर को देखते ही आपको समझ आ जाएगा कि आयुष्मान का एक बार फिर से इस कॉमेडी फिल्म के साथ समाज की दुखती रख पर हाथ रखने जैसा है। आयुष्मान ने अपने आगामी फिल्म में टीजर को इंस्टाग्राम वॉल पर शेयर किया। रिलीज होते ही कुछ देर में इस टीजर को अब तक 3 लाख से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं कमेंट्स बॉक्स में आयुष्मान की वाहवाही करने वालों की तांता लगी हुई है। टीजर से यह बात साबित होती है कि इस फिल्म में आयुष्मान बाल्ड यानी गंजे नज़र आने वाले हैं। साफ दिख रहा है कि आयुष्मान के इस लुक पर काफ़ी काम किया गया है। इस छोटे से टीजर में देखा जा सकता है कि आयुष्मान मोटरसाइकिल पर एकदम फिल्मी हीरो के अंदाज में शाहरुख खान का गाना कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला गाना गाते जा रहे हैं। तभी तेज हवा से उनके सर का कैप उड़ जाता है और उनके साथ आयुष्मान के चेहरे की हवाइयाँ भी उड़ जाती हैं, जिसके बाद आयुष्मान उदास हो जाते हैं और राजेश खन्ना का गाना रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार गाने लगते हैं। यह तो तय है कि एक बार फिर आयुष्मान खुराना हमारे समाज में गंजेपन को लेकर होने वाली परेशानियों को कॉमेडी के तड़के के साथ पेश करेंगे। फिल्मों में उनके साथ भूमि पडनेकर और यामी गौतम नजर आएंगी। यह फिल्म 12 नवंबर को रिलीज होगी।